इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार इस दुनिया को ही बदल डालते हैं। और आप कौन से कैटेगरी में हो वो आप खुद डिसाइड कीजिए। तो हेलो गाइस, मैं रतुला सिद्ध और आप देख रहे हैं आपका चैनल जुड़े चलो टीचर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। ओके तो शुरू करते हैं बिना देर के, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके तो क्वेश्चन में क्या कहा है, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM, है ना। तो देखो हमें HCF दिया हुआ है, किसका HCF दिया हुआ है, 306 और 657 का हमें HCF दिया हुआ है 9, और कहा है LCM निकालो। भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें पता है ऑलरेडी, है ना, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, LCM ऑफ टू नंबर, है ना। हम तो यहाँ पे कौन किसका नंबर 306 है ना, तो 306 और 657 तो LCM इंटू HCF, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वो टू नंबर, है ना। मतलब उसका HCF और उसका LCM का प्रोडक्ट हमारा इक्वल होता है किसके साथ, उन दोनों के वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होते हैं, HCF इंटू LCM, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हम इसी फॉर्मूला से LCM का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके तो देखो क्या चाहिए, LCM चाहिए, है ना। तो LCM ऑफ 306657 इंटू HCF ऑफ 306657 क्या, HCF क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना, ये पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इक्वल टू 306 इंटू 657, तो अभी यहाँ से LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 306657 इक्वल टू मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, 306657। ओके तो 9 डिवाइड हो गया उधर, देखो इधर मल्टी इंटू में 9 दिया हुआ है ना, तो इक्वल का अगर उधर चला जाएगा तो डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो 9 वन जा 9, ये 9 3 जा 27, है ना, 27 3 6, 9 4 जा 36, है ना। अभी 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका LCM निकल जाएगा, है ना। तो LCM ऑफ 306657 इक्वल टू 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 657 इंटू 34, तो 74 जा 22 कैरी 2 22 कैरी 2 26, है ना। इधर 1 3 7 21 से 1 2 कैरी, देन 5 3 जा 15 17 1 कैरी, 3 6 3 जा 19, है ना। अभी 8 2 1 जा 2 1 3 और 13 10 11 9 10 11 12 2 2 2 3 3 8, है ना, 2 2 3 3 8। तो इसका LCM क्या है, 2 2 3 3 8, है ना, इतना सिंपल सा था, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके